ये क्रोशे की डिज़ाइन को टू स्टेप में हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए 1 mm मैंने स्टील क्रोशे हुक यूज़ किया है और ये एंकर का कॉटन थ्रेड है। इसकी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सबसे पहले थ्रेड को अटैच करें। थ्रेड अटैच करने के बाद 2 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, और इसे फिर से फैब्रिक में अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे बनाते हुए। तो अब मैं सेम रिपीट करूँगी, 2 चेन्स और सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह मैं इसकी फाउंडेशन रो या बेसिक लाइन जो है, बेस लाइन, ये कंप्लीट करूँगी। तो ये रो कंप्लीट करें इस तरह से। अब बेस लाइन कंप्लीट हो गई है। अब बेस लाइन के ऊपर हम अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये राइट साइड पे बनाए थे, तो ये जो फर्स्ट स्पेस है यहाँ पर हमें थ्रेड को अटैच करना है। इस तरह से थ्रेड अटैच होने के बाद अब हमें यहाँ पर 6 चेन बनानी है। टाइट चेन्स बनानी है, लूज नहीं बनानी है। अब सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये लूप को अटैच करेंगे। 6 चेन्स के बाद अब हमें 8 चेन्स बनानी है। अब इसे भी सेम स्पेस में हम सिंगल क्रोशे बनाते हुए अटैच करेंगे। इसके बाद 10 चेन्स बनानी है। इसे भी सेम स्पेस में अटैच कर देंगे। अब ये फ्लावर कंप्लीट करने के लिए सेम रिपीट करेंगे। अब हमें 8 चेन्स बनानी है और सिंगल क्रोशे, फिर 6 चेन्स और सिंगल क्रोशे। तो अब मैं 8 बनाऊंगी। सिंगल क्रोशे सेम स्पेस में। अब 6 चेन्स बनाऊंगी। सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे। ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो ये 1 फ्लावर बन गया है। अब 2 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे, फिर से 2 चेन्स, 1, 2, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे। अब मैं एक पर्ल ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। पर्ल ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे, चेन 1, 2, सिंगल क्रोशे, चेन 1, 2, सिंगल क्रोशे। अब सेम फ्लावर मैं नेक्स्ट स्पेस में बनाने वाली हूँ, इतना डिस्टेंस छोड़ के। तो इसमें बनाने के लिए पहले सिंगल क्रोशे बनाएंगे स्पेस में। अब सेम रिपीट करना है जिस तरह से हमने फर्स्ट फ्लावर बनाने के टाइम पे किया था।